वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज हम बात कर रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 4 की। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 तक मैं सारे सेक्शंस क्लियर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से अदर सेक्शन जो इसके पहले के सेक्शन है वो आप देख सकते हैं चैप्टर 3 तक के। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 जो कि रिलेटेड है साधारण अपवाद से, जनरल एक्सेप्शन से। तो इस साधारण अपवादों में जो सेक्शन 14 से हम स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 14 कहता है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। यानी कि जो एक्ट किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा विधि द्वारा आवृत या तथ्य की भूल के कारण, अपने आप को विधि द्वारा आवृत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या अपराध कहलाएगा। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु वाई रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एंड नॉट वाई रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंडेड बाय लॉ टू डू इट। इट मीन्स कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा अवरुद्ध है या जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा जो है अवरुद्ध है। यानी कि इसमें एक एग्जाम्पल्स लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा ये सेक्शन कि ए सोल्जर फायर ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। जो ए है उसने क्या किया, उसने भीड़ पे गोली चला दी। यह क्या किया, उसने अपने वरिष्ठ ऑफिसर जो था उसके कहने पर उसने भीड़ पे सैनिक जो था उसने गोली चला दी। का ने कोई अपराध नहीं किया, यानी कि ए ने कोई अपराध नहीं किया है। ए सोल्जर फायर ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कंफॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि ए एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट, न्यायालय का अधिकारी होते हुए जो ए है, ए ने वाई को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा जो ऑर्डर किया गया था और जांच करने के बाद यह विश्वास करके कि जो ए ने क्या करा, जो जेड था उसको वाई, जो जेड जेड ही वाई है ये समझ कर क्या करा, जो जेड है उसको गिरफ्तार कर लेता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। यानी कि ए एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट जेड ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। उसने क्या है, जो जेड था उसको क्या वाई समझा और उसको गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके से उसने गिरफ्तार किया तो वह क्या है, किसी भी तरह से उसने कोई जो है अपराध नहीं किया क्योंकि उसने कोर्ट के ऑर्डर वाइंडिंग बाय लॉ से उसे शक्ति प्राप्त थी, उसने ऑर्डर क्या कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया। तो चाहे वह गलती से उसने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन जो है भूलवश यह विश्वास रखते कि वह कर सकता है, लेकिन उसने भूलवश उसको गिरफ्तार किया। क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको दोबारा समझाऊंगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है, सेक्शन 15 कहता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इज गुड फेथ टू ही बिलीव टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा, कोर्ट के जज के द्वारा
किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह है और उसे विधि द्वारा दी गई है। यानी कि कोई जज जो है अब एक्ट करता है कोर्ट में, किसी तरह का न्यायिक कार्य करता है, और वह उसको विश्वास है कि जो वह कार्य कर रहा है वह उसे विधि द्वारा शक्तियां प्राप्त है, उसके अकॉर्डिंग वह कार्य कर रहा है, तो वह अपराध नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 कहता है एक्ट डन परज्यून टू जज और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। यानी कि कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया या ऑर्डर किया, उसके अनुसरण में क्या किया है, कोई कार्य किया गया है। कोई बात जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवक्त रहते की जाए, अपराध नहीं है। यानी कि जो ऑर्डर कोर्ट के द्वारा किया गया या जजमेंट किया गया, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसको अप्लाई कराने के लिए या किसी तरह से उस ऑर्डर का पालन कराने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, तो वह अपराध नहीं है, अगर जब तक कि वह जजमेंट या जो वो ऑर्डर है वो अप्लाई है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय आदेश देने की अधिकारता ना रही हो, परंतु यह जब तक कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारता थी। यानी कोर्ट के पास पावर नहीं है, कोर्ट के पास क्या है, पावर नहीं है उस कार्य को करने की, लेकिन उसको ये पता नहीं है, उसको विश्वास है कि वह ये कार्य कर सकता था, तो उसने किसी तरह का ऑर्डर या जजमेंट दिया, तो उसके एवज में उसने कोई भी कार्य किया, कोई भी वर्क किया, कोई भी एक्ट किया, तो वह क्या है, अपराध नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसने सद्भावना पूर्वक किया है, गुड फेथ में किया हुआ है, तो वह क्या है, अपराध नहीं कहलाएगी। नथिंग विच इज डन इज परस्यूड ऑफ एंड विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट इफ डन विच सच जजमेंट एंड ऑर्डर रिमेन इन फोर्स इज एन ऑफेंस नथिंग विद स्टैंडिंग द कोर्ट मे हैव हैड नो डायरेक्शन टू पास सच जजमेंट एंड ऑर्डर प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीविंग दैट द कोर्ट हैड सच डायरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। यानी कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यानी कि विधि द्वारा क्या है, उसे जस्टिफाइड किया गया या तथ्य की भूल से, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा क्या है, विधि द्वारा जस्टिफाइड है, या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा क्या है, उसे अपॉइंट किया गया है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा उससे। ए जो है जेड को ऐसा कार्य करते देखता है जो ए को हत्या प्रतीत होता है। ए को लगता है, ए जो है, जो जेड का कार्य है उसे लगता है वह किसी का मर्डर कर रहा है। ए सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वालों को या उन कार्य में पकड़ने के लिए सम्मत व्यक्ति को दे रखी है, जो जेड है को उचित अधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए जेड को क्या है, अरेस्ट कर लेता है, अपने उसमें ले लेता है कस्टडी में। ए ने
कोई अपराध नहीं किया है, चाहे उसके बाद असल बात यह निकले कि जेड आत्मप्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था, चाहे वो सेल्फ डिफेंस में कार्य कर रहा था, जो उसे लग रहा था कि वह किसी का मर्डर कर रहा है, वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था। लेकिन उसने क्या है, ए ने क्या करा, उसको जो जेट था उसको अरेस्ट कर लिया और किसी मजिस्ट्रेट वगैरह या कोर्ट के समक्ष लाने के लिए उसे क्या है अपने पास, यानी कि उसे गिरफ्तार कर लिया, कब्जे में कर लिया। तो बाद में यह पता चले कि नहीं, वह व्यक्ति तो सेल्फ डिफेंस में क्या है अपने को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो उसमें वह अपराध नहीं है जो ए के द्वारा कार्य किया गया है। ए सी जेड कमिटेड व्हाट अपीयर टू ए टू बी ए मर्डर, ए इन द एक्सरसाइज द टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्ट इन गुड फेथ ऑफ ए प्रॉपर विच द लॉ गिवन टू ऑल पर्सन टू एप्रिहेंडिंग मर्डरर्स इन द फैक्ट सी जेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस थ्रू इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 18। इसमें इससे पहले क्या है, एक कमेंट दिया हुआ है, टिप्पणी दी हुई है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 17 सेक्शन 17 के तहत उल्लेख की गई टिप्पणी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 79 पर आधारित है। इसका केस लो है एक राजकुमार बनाम लक्ष्मण AIR 1980 SC 605। इसमें कहा गया कि धारा 79 सेक्शन 79 किसी कार्य को अपराध नहीं मानती जब अभियुक्त का कार्य कानून द्वारा उचित और उनकी मान्यता के अनुसार तथ्य की एक गलती की तरह उचित है। इस केस में ये कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है, सेक्शन 18 कहता है इंसिडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, कि कोई विधि पूर्वक कोई कार्य किया जा रहा है, एक्ट किया जा रहा है, उसमें क्या किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई बात अपराध नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन एंड नॉलेज इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर वाइल लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से या किसी आपराधिक आशय ज्ञान के बिना विधि पूर्वक रीति से, विधि पूर्वक साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधि पूर्ण कार्य करने में की गई हो। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा ये सेक्शन, कि ए इज एट वर्क विद ए हैटच, एक कुल्हाड़ी से, ए जो है कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का जो फल है, जो आगे का जो लगा होता है ना लक्कड़ के आगे, जो लोहे का एक जो कुल्हाड़ी होती है जो लगा होता है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उछल कर जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहां यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। ए जो है कुल्हाड़ी से काम कर रहा था नॉर्मली, उसने प्रॉपर देख चेक करके ही उस कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, लेकिन गलती से, वाई मिस्टेक क्या है या दुर्भाग्यपूर्वक क्या है, वो कुल्हाड़ी का जो फल है लोहे का जो होता है वो उछल के गिर जाता है और वह ऐसे व्यक्ति को लगता है और वह व्यक्ति मारा जाता है उससे। यदि अगर उसने सावधानी पूर्वक किया है काम तो वह अपराध नहीं है, अगर उसने सावधानी पूर्वक नहीं किया है तो उस केस में वह क्या है अपराध कहलाएगी, अगर सावधानी पूर्वक किया है तो वह अपराध नहीं है, माफी योग्य है, ये कहा गया है सेक्शन 18 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर वीडियो में, सेक्शन 19 से स्टार्ट करेंगे और इसके अदर सेक्शन क्लियर करेंगे चैप्टर 4 के। तो
तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अदर वीडियो प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।